हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लुक परफेक्ट विद मी। और मैं हूं आपकी दोस्त रोली। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूं कि आप सब बहुत मज़े में होंगे। जैसे कि टाइटल देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं आपको बताने वाली हूं एक गुलाब की पंखुड़ियों से बनने वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़। हमारे घर में अक्सर गुलाब कहीं से आता है, कोई फंक्शन हो या कुछ भी हो, बहुत सारे गुलाब कोई ना कोई बुके देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं से बुके आता है, या फिर अगर हमारे घर में पौधे होते हैं गुलाब के तो उनमें बहुत सारे फूल खिलते हैं। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि वो जो गुलाब के फूल होते हैं वो हम फेंक देते हैं, लेकिन हमें उसको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इनमें कितने सारे गुण होते हैं और इसको हम एक नहीं पता नहीं कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास एक गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ हैं और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसको मैंने थोड़ी देर पहले ही तोड़ के रखा था, तो ये थोड़ी सी मुरझा गई हैं। तो ये गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, मैंने इनको ले लिया है। ये लगभग 8 से 10 जो गुलाब के फूल थे उनकी पंखुड़ियाँ हैं, और ये जो देसी गुलाब होते हैं उनकी पंखुड़ियाँ हैं ये। और मैंने ले लिया है लगभग 1 कप पानी, आप लोग देख सकते हो 1 कप पानी है ये बहुत छोटी सी गिलासी है। और आपके पास अगर गुलाब की पंखुड़ियाँ ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा पानी ले लीजिए, उसके बाद आप इसको गैस पर चढ़ा दीजिए पानी को। याद रहे ये जो पानी है हमें नॉर्मल टैप वाटर नहीं लेना है। अगर आपके घर में कोई भी आरओ सिस्टम लगा है, मिनरल वाटर अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके घर में नहीं है तो कोई बात नहीं। और उसके बाद हम इस पानी को बॉयल करेंगे अच्छे से। जब ये बॉयल आने लगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। मैंने इसमें 2 चम्मच लगभग ऑलिव ऑयल डाल दिया है। अगर आप डालना चाहें, आपके पास है तो डालें, नहीं डालना है तो आपको ना डालें। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है गुलाब की पंखुड़ियाँ। जैसे ही आप गुलाब की पंखुड़ियाँ डालेंगे हल्की सी आवाज़ आएगी आपको, तो उसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने इसमें ऑयल भी डाला है। और इसको अच्छे से चम्मच से चला चला के आप बॉयल कर लीजिए, लगभग 5 मिनट तक बॉयल कीजिए, ताकि जो गुलाब के अंदर जो मतलब फ़ायदे हैं इसके वो सारे हमारे जो पानी में आ जाए। और इसको आप धीमी आंच पे छोड़ दें, पकने दें और हल्का सा इसको ढक दें, लगभग 1 मिनट के लिए इसको ढक दें। ढकना ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो बाहर चली जाएगी, इसलिए इसको ढक दें। मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो वाटर है ना, अगर आप वैसे नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइएगा, क्योंकि क्या होता है ना, हमें अक्सर बाज़ार की चीज़ों की आदत हो जाती है। लेकिन अक्सर हम घर में फेस पैक बनाते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं या कोई भी फेस पैक लगाते हैं, बेसन का पैक बना के लगाते हैं या कुछ भी, उसमें अगर आप इसको डाल के लगाएंगे तो आपको फ़ायदा खुद ब खुद दिखाई देगा। मैंने इसको ढक दिया है, गैस को नीचे से मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और इसके बाद मैंने निकाल कर इसको छान लिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन कलर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है इसलिए ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। अब ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.